महेंद्र यादव फ्रॉम CBS इंटर कॉलेज। प्यारे बच्चों, आज क्लास ट्वेल्थ का कि प्रोज का सेकंड लेसन जो कि शुरुआत करने जा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट लेसन दीपक सिंह जी के द्वारा जो है आपको बताया गया, उसका एक्सप्लेन किया गया, तो आज हम सेकंड लेसन की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ए फेलो ट्रेवलर, फेलो मीन्स होता है साथी, और ट्रेवलर माने यात्रा करने वाले, जो साथ यात्रा करता है, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और आपके साथ में कोई है तो उसे फेलो ट्रेवलर कहा जाता है। एजी गार्डनर जी की रचना है। एजी गार्डनर जी एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर्स में से एक हैं, थे, जिन्होंने जिनकी स्टोरियाँ हमेशा जो है बड़े ही उच्च क्वालिटी की हुआ करती थी। आइए बात करते हैं एक फेलो ट्रेवलर के बारे में। आपको बता दें कि फेलो ट्रेवलर जो है, यहाँ पर लेखक महोदय ने जो है एक मनुष्य का कंपैरिजन एक छोटे से इंसेक्ट से किया है, एक छोटे से कीट से किया है, जो उस यात्रा के दौरान उस मनुष्य का हर मौके पर जो है बराबर उसका जो है साथ देता है। कहने का मतलब, चाहे वो समान परिस्थितियां हो, विपरीत परिस्थितियां हो, वो हर समय वो जो है वो मौजूद रहता है। आइए अबाउट द आथर के बारे में पढ़ते हैं। एजी गार्डनर, ए डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट एंड एन इमिनियंट एस्से राइटर। एजी गार्डनर जी जो है एक अद्वितीय जर्नलिस्ट, मतलब होता है पत्रकार थे, एंड इमिनियंट एस्से राइटर, एक जो है प्रसिद्ध निबंधकार थे। वॉज बर्न इन 1865, जिनका जन्म 1865 में हुआ था। एज ए जर्नलिस्ट ही वर्कड एंड एडिटर द डेली न्यूज फॉर 17 ईयर्स इन लंदन। एक पत्रकार के रूप में 17 सालों तक इन्होंने लंदन में कार्य किया और द डेली न्यूज पत्रिका का संपादन भी किया। ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसे अंडर हिज पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लाउ। इन्होंने बहुत से एसे अपने उपनाम से लिखा, यानी अपना नाम नहीं बल्कि दूसरा नाम दिया, एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया? अल्फा ऑफ द प्लाउ के नाम से। और हिज प्रेमिनेंट वर्क्स आर, इनके जो उल्लेखनीय कार्य हैं उनका नाम है प्रेस स्टैंड किंग, पब्लिश ऑन द शोर एंड लिव्स इन विंड। ये इनके बहुत फेमस रचनाएं हैं। ही डाइड इन 1946। इनकी मृत्यु जो है 1946 में हो गई, बट ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स। लेकिन अपनी उस अलौकिक रचना के लिए वो आज भी, यानी हमेशा याद रखे जाएंगे और याद रखे जाते हैं। मैंने शुरू में बताया कि बहुत ही अच्छे राइटर हैं एजी गार्डनर जी। आइए अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ते हैं। कहता है, द लेसन ए फेलो ट्रेवलर हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द लीव्स इन विंड। अभी बताने लीव्स इन विंड जो है, इनकी लीव्स इन विंड हुआ, प्रेस्ट एंड किंग्स हुआ, पबल्स ऑन द शोर हुआ, इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। तो ए फेलो ट्रेवलर लिप्स इन विंड का एक पार्ट है। इट इज़ ए फाइन स्पेसिमेन ऑफ पर्सनल एसे, जो वास्तव में एक पर्सनल एसे के रूप में जिसको प्रस्तुत किया था। द आथर है हियर डिस्क्राइब्स हाउ ही डेवलप्स ए फीलिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम ए मॉस्किटो रिगार्डिंग हिम एज ए फेलो ट्रेवलर एंड फेलो मॉर्टल्स। लेखक ने जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया, वर्णन किया कि जिस प्रकार से उन्होंने डेवलप, विकसित किया, क्या फीलिंग ऑफ अफेक्शन, स्नेह की भावना उनके अंदर जागृत हुई, किसके प्रति? फॉर अ मॉस्किटो, एक मच्छर के प्रति। रिगार्डिंग हिम एज ए फेलो ट्रेवलर एंड फेलो मॉर्टल, जिसको उन्होंने सहयात्री नाम दिया, कहा जिसको उन्होंने क्या दिया? नाम दिया, सहयात्री का नाम दिया। तो ये तो लेसन के बारे में छोटा सा परिचय था। यानी अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ आथर एक तो स्वयं आथर है और दूसरा जो इसका पार्टिसिपेंट है वो कौन है? मॉस्किटो है। तो आइए देखते हैं। कहता, आई डू नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट।
राइटर कहता है कि मैं मुझे नहीं पता कि हम में से कौन डिब्बे में पहले प्रवेश किया, किस डिब्बे में, गाड़ी के डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन कैरिस एट ऑल फॉर सम टाइम। कहा वास्तव में मैं ये भी नहीं जानता कि वो डिब्बे में कुछ समय पहले से ही मौजूद था या नहीं। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। कहा वो लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली अंतिम ट्रेन थी, स्टॉपिंग ट्रेन, जो स्लो चलने वाली ट्रेन थी एंड इन्फाइनेटली लेजरली ट्रेन, और बहुत ही आनंददायक थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स व्हिच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, मतलब ऐसी रेलगाड़ियों में से थी जो वास्तव में आपकी आंतरिक भावनाओं को समझने के लिए प्रेरित करती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब वो चलना शुरू की तो वास्तव में वो पूरी तरह से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप एट द सबर्बन स्टेशन, लेकिन आने वाले स्टेशन पर जैसे हम रुकते गए, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इज वन एंड टू, लोग जो है एक एक करके जो है एक दो करके उतरते गए। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ द लंदन बिहाइंड, और वह समय जब आया जब हम लंदन का अंतिम छोर क्रॉस किए, तो आई वॉज एलोन और रेदर, तो मैं अकेला हो गया था शायद। आई थाट आई वॉज एलोन, ये मेरी सोच थी कि मैं अकेला हो गया था, कहरा मुझे लगा कि मैं अकेला था, तो कहरा ये मेरी सोच भी हो सकती है, शायद और भी लोग रहे हों, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि मैं अकेला था। कहा जब मुझे लगा कि मैं अकेला था, तो देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बींग एलोन इन द करेज, तो कहरा स्वतंत्र डिब्बे में अकेले होने का स्वतंत्रता की एक लहर सी मेरे अंदर आई, दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जहाँ पर रात भर लोगों की आवाज़ गूंजती थी अब वहाँ सन्नाटा हो गया था। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेन इज ए वेरी एग्रेबल फॉर्म, जहाँ पर स्वतंत्रता और बिना किसी रोक टोक का माहौल था, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, का जहाँ पर आपको जो भी पसंद हो आप कर सकते हो, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, कहा आप अपने आप से जितना तेजी से मन करे बात कर सकते हो, एंड नो वन विल हियर यू, वहाँ कोई आपको सुनने वाला नहीं होगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम टेम्परेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, कहा आप जॉन के किरदार पर भी तर्क कर सकते हो, उसके करेक्टर पर तर्क कर सकते हो, और वहाँ कोई आपको काउंटर देने वाला नहीं होगा, नहीं किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। यहाँ जॉन जो है उस समय का एक फेमस एक्टर था, उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, कहा अगर आपका मन करे तो आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। नो वन विल सी यू, कोई आपको देखने वाला नहीं होगा। यू कैन सिंग और डांस आर टू स्टेप, कहा तुम गा सकते हो, तुम एक दो स्टेप डांस कर सकते हो, आर प्रैक्टिस आप गोल्फ स्ट्रोक या गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर या उसके फर्श पर जो है कंचे खेल सकते हो, विदाउट लेट आर हिंड्रेस, बिना किसी की अनुमति या बिना किसी की हिचकिचाहट के साथ आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, आप खिड़की को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, वहाँ किसी कोई विरोध करने वाला आपका नहीं होगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो या दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, और यहाँ तक कि आप उसको खोले हुए जा सकते हो एंड शटिंग देम या बंद किए हुए जा सकते हो एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, जैसा वहाँ स्वतंत्रता का माहौल था, करा हो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं था। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, कहे आप किसी कोने को चुन करके वहाँ जा सकते हो, बैठ सकते हो एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और घूम घूम कर जो है प्रयास कर सकते हो। यू कैन लाइन फुल लेंथ ऑन द कार्सन, का जो सीट पर गद्दे लगे हुए हैं उस पर तुम पूरी लेंथ में सो सकते हो एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और वहाँ पर जो है एंजॉय द लग्जरी, कह रहा है उस समय जो है आनंद की अनुभूति कर सकते हो एंड ब्रेकिंग द रेगुलेशन, यहाँ तक कि आप रेलवे के नियमों को भी तोड़ सकते हो एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA, और DORA के जो है बनाए गए जो रेल का अधिनियम है उसको भी तोड़ सकते हो। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, यहाँ तक कि जो DORA है उसको भी नहीं पता चलेगा कि आपने उसके
द्वारा बनाए गए नियम को तोड़ दिया है। यू हैव एस्केप्ड इवन TORA, यानी आप रेल द्वारा बनाए गए नियम से बच सकते हो। DORA मीन्स होता है डिफेंस द रियल एक्ट इन फोर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1940 to 1980, यानी 1914 से लेकर 1918 तक जो विश्व युद्ध हुआ था उस समय इंग्लैंड में जो है क्षेत्र रक्षा कानून प्रभावित हुआ था जो रेलवे द्वारा उस समय बनाया गया था। तो कह रहा है उसको भी आप तोड़ सकते हो, कोई आपको मना करने वाला नहीं होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट लेसन सेकंड का, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।